तो एज वी डिड अर्लियर फॉर थी टेस्ट ऑफ इनोवा दैट वी वंस कैलकुलेट वी टेस्ट दाइप ऑलवेज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द स्मॉल सैम्पल बट राधर वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द जेनरल पॉपुलेशन वेर वी हैव एक्सटेक्टेड दैम्पल फ्रॉम सो सिमिलरली फॉर को रिलेशन ऑल्सो वंस वी नो वट इज को रिलेशन वॉट आर द करेक्टरिस्टिक्स वाई वी कैलकुलेट हाउ वी कैल्कुलेट द नेक्स्ट स्टेप इज के हम एक सैम्पल निकालते हैं और उनमें दो चीज़ों के दरम्यान रिलेशनशिप देखते हैं और फिर हम उस हाइपोथिस को टेस्ट करते हैं कि जिस पॉपुलेशन से हमने ये सैंपल निकाला है कि उस पॉपुलेशन के अंदर भी उसी तरह से कोरलेसन है कि नहीं है सो पियर्सन एस इज़ जनरली कंप्यूटेड फॉर सैंपल डेटा क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन की तो निकाल नहीं सकते जैसे तो, so, मैंने भी एग्जाम्पल दी यूनिवर्सिटी से अगर हमने स्टूडेंट्स लेने हैं तो वी विल ड्रॉ अ सैम्पल ऑफ हंड्रेड और हंड्रेड फिफ्टी और टू हंड्रेड स्टूडेंट्स और हम देखेंगे कि पढ़ने के घंटे और जी पी ए के अंदर क्या रिलेशनशिप है एंड देन वी विल टेस्ट द दाइप कि क्या उनके दरमियान रिलेशनशिप है इन वंस वी फाइंड द द सिग्निफिकेंट वी जनरलाइज टू दैट पॉपुलेशन से हमने वो दिग्निफिक uh, निकाला होता है तो सैम्पल कोरोन इज ऑफन यूज टू आंसर क्वेश्चन अबाउट द दिस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन द बेसिक क्वेश्चन फॉर द इज द हाइपोथसिसदर कोरोन एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले भी किया हुआ है हम पहले नाला हाइपोथसिस बनाएंगे और फिर हम उसका रिसर्च अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे नल हाइपोथेसिस बिल्कुल हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस यानी वी विल स्टार्ट विद अजम्पशन लाइक अ ट्रू साइंटिस्ट के देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम बनाएंगे कि यस देयर इज़ अ रिलेशनशिप और देयर इज रियल और नॉन जीरो इन द पॉपुलेशन यानी कोरिलेशन जीरो नहीं है बल्कि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप The population correlation is traditionally represented by P or uh, hypothesis would start with the uh, hai, ki P is equal to 0. So P means that the correlation is 0. Yani there is no population correlation. And then we have H1, which is alternative hypothesis hypothesis, that there is a correlation. That yani is, P is not equal to 0. When there is a specific prediction about the direction of the relationship, it is possible to do a directional hypothesis. We can the directional or ja non-directional hypothesis. be yani, P is smaller than zero ya P is greater than zero. Uh, it depends upon which variables mein aap relationship find out. Kar so you can give a uh, direction. Just the first karen, hypothesis null that population correlation is not positive. यानी p इज इक्वल टू और स्मॉलर देन ज़ीरो और दूसरे सेंस में हम कहेंगे कि p इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो देर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स तो आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं लेकिन स्टेटिस्टिकली हम अपने हाइपोथेसिस को नोटेशन और सिंबल के साथ ही करते हैं तो फॉर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वी विल राइट लाइक दिस कि देर इज़ अ नेगेटिव और देर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स सैम्पल आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी आइडेंटिकल टू द पॉपुलेशन फ्राम विच दे कम देयर इज समिक्रिपेंसी यानी साम्पलिंग एरर यानी जैसा हमने uh, पहले भी एरर की बात की है और हमने साम्पलिंग एरर की भी बात की है कि अगर हमारी पॉपुलेशन uh, साम्पल का एक कोरिलेशन आ भी जाता है तो पॉपुलेशन का एग्जैक्टली exactly वो कोरिलेशन नहीं होगा देर वुड भी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द साम्पल कैरेक्टरिस्टिक एंड द

अब हमने टू माइनस करना है क्योंकि हमने एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स के लिए एक एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम माइनस करना है सो इफ़ एन इज़ फोर तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी टू हो जाएंगी सो फॉर एनी टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी एन माइनस टू और फिर उसमें हम अपनी क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं जैसा हमने टी टेस्ट में और एफ टेस्ट में देखते हैं कि हम पहले टेबल वैल्यू देखते हैं बिल्कुल इस तरह से भी इस टेबल में आपकी ग्रेविटर की किताब में ही टेबल बी सिक्स दिया हुआ है आपकी किताब के पीछे अपेंडिक्स बी के अंदर और ये कोरलेशन का टेबल है इसके अंदर आपने देखना है कि आपका टेस्ट टू टेल्ड है या वन टेल्ड है अगर तो आप डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है इट मीन्स यू आर यूजिंग डायरेक्शनल हाइपोथेसिस विच इज़ वन टेल्ड टेस्ट यानी अगर आपने उसका बनाया है कि पॉजिटिव है तो वो इस टेल पे आएगा और अगर नेगेटिव का हाइपोथेसिस बनाया तो वो स्टिल पर आएगा लेकिन अगर आपने कोई डायरेक्शन नहीं दी बल्कि सिंपल आपने कहा है कि इज नॉट इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब है कि फिर आप टू टेल टेस्ट यूज़ कर रहे हो सो यू नीड थ्री इंफॉर्मेशन हीर नंबर वन डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल मोस्टली जब हम एस पी एस एस में करते हैं तो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल यानी टू टेल टेस्ट ही होता है सेकेंडली डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और तीसरा एल्फा लेवल सो so मोस्टली हम एल्फ़ा पॉइंट जीरो फाइव पर टेस्ट करते हैं सो so हमारी अगेन अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू है तो हमारी टू टेल टेस्ट के लिए यानी नॉन डायरेक्शनल के लिए क्रिटिकल वैल्यू पॉइंट नाइन फाइव होगी तो अब आपकी पी की क्रिटिकल वैल्यू पॉइंट नाइन फाइव है और हमें पता है कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी आती है तो ओनली उसी सूरत में हम नल uh, हाइपोथिस को रिजेक्ट करते हैं सो दिस इज़ द क्रिटिकल वैल्यू So if the value is than तो इफ़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन पॉइंट नाइन फाइव तो तभी ये क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी और उसी सूरत में ही हम अपने नल हाइपोथिस को रिजेक्ट करेंगे और अल्टरनेटिव या रिसर्च हाइपोथिस को हम सपोर्ट करेंगे ये एग्जाम्पल है इसको अभी वैसे हमने कैलकुलेशन की है लेकिन एक दफ़ा अगेन हम मैनुअली कैलकुलेट करके देखते हैं सो वी अंडरस्टैंड द मेकनिज़म्स how वी कैलकुलेट the correlation means मीन्स के वी आर नॉट ओनली कैलकुलेटिंग variability वेरेबिलिटी को वेरेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई यानी वो दोनों इकट्ठे कैसे वेरी कर रहे हैं बल्कि ऑल्सो हम एक्स और वाई के अंदर भी वेरेबिलिटी uh, जो है वो कैलकुलेट करेंगे सो लेट सॉल्व दिस एग्जाम्पल अगेन जस्ट फॉर वैसे तो आप घर में असाइनमेंट्स हैं जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे लेकिन अभी फिलहाल हम इसको प्रैक्टिस करते हैं सो so, हमारा डेटा जो है वो है एक्स वेरिएबल के लिए जीरो टू एट सिक्स फोर और हमारी वाई वेरिएबल के लिए वैल्यूज हैं फोर वन टेन नाइन एंड सिक्स अब आप देखेंगे वैसे एक्स वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा ये जीरो था तो ये फोर था सिवाय इस केस के बाकी अगर ये एट है तो ये टेन है अब यहाँ पे सिक्स हो गया तो ये नाइन हो गया या फोर है तो सिक्स हो गया सो so, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें सो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा और हाई पॉजिटिव को होगा क्योंकि दोनों में अगर वो बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है तो so, अब हमारा सबसे पहले पहला स्टेप हमें पता है कि हमने एस निकालना या together, है यानी पूल्ड को या पूल्ड वेरिबिलिटी ऑफ बोथ एक्स एंड वाई टुगेदर और उसका हमारा फॉर्मूला है समेन एक्स वाई माइनस समेन एक्स इंटू समेन वाई डिवाइडेड बाई एन और अब हमने इसके लिए कैलकुलेशन करनी है हमारा समेसन एक्स कितना आ जाएगा एट प्लस टू टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी और हमारा वाई वेरिएबल का सम जो है वो आ जाएगा थर्टी अब हमने एक्स वाई निकालना है यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई एक्स विद वाई तो ज़ीरो इंटू फोर वुल बी ज़ीरो टू इंटू वन टू एट्टी फिफ्टी फोर और इसका जब हम सम करेंगे तो दैट इज वन हंड्रेड एंड सिक्सटी तो आप वैल्यूज प्लाग इन करेंगे हमारी समेशन एक्स वाई की वैल्यू वन सिक्सटी है ये हमारा समेशन एक्स वाई है ये समेशन वाई एंड समेशन एक्स अब आप वैल्यूज करेंगे ये ट्वेंटी है ये हमारे पास थर्टी है एंड हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव है फाइव है आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे वन सिक्सटी माइनस 13 to 20, 600, 600 divided by 5 will be 120, which will be equal to 40. तो so, याद रखिए हमने SP निकाली अगला स्टेप हमने ये हमने ऊपर वाला सॉल्व कर लिया अब हमने नीचे वेरिएबिलिटी ऑफ x एंड y निकालनी है तो हम इसके अंदर x की वेरिएबिलिटी निकालेंगे जो हमने निकाली थी x माइनस mean स्क्वायर और नीचे समेशन लेंगे और फिर हम निकालेंगे y माइनस वाई मीन स्क्वायर और उसका समेशन नीचे लेंगे सो इसका मीन निकालेंगे ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव विच इज इक्वल टू फोर और वाई का मीन निकालेंगे थर्टी डिवाइडेड बाई फाइव विल बी सिक्स अब हर एक्स में से फोर माइनस करेंगे और स्क्वायर करेंगे और हाई वाई की वैल्यू में से सिक्स माइनस करेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे यानी जीरो माइनस फोर और स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा जीरो माइनस फोर विल बी फोर और फोर का स्क्वायर होगा सिक्सटीन तो इसी तरह हम सारों को माइनस करके स्क्वायर कर लेंगे और इसी तरह वाई के लिए हमने फोर में से सिक्स माइनस करना है और उसको स्क्वायर करना है सो वाई माइनस वाई मीन विच इज टू माइनस टू और टू का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी फोर और इसी तरह हम हर वाई की वैल्यू में से y का मीन माइनस करेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे और फिर हम इसको सम कर लेंगे ये हमने सम ऑलरेडी कर लिया हुआ है यू कैन डू बाय योर ओन इज अ कैलकुलेटर और r का फॉर्मूला हमारा जो है वो है एस पी डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ x और फिर सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ y और फिर अंडर रूट एस पी हमने निकाला हुआ है विच इज फोर्टी और हमने सम ऑफ स्क्ट जो निकाला है एक्स के लिए दैट इज फोर्टी और वाई के लिए हमने निकाला है फिफ्टी फोर और उसका हम लेंगे अंडर रूट इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट इसको कैलकुलेट करके इकट्ठा जो मैंने आंसर निकाला हुआ है कैलकुलेटर में वो है पॉइंट एट सिक्स सो नाउ द कोरिलेशन वैल्यू इज पॉइंट एट सिक्स विच मीन्स के दोनों वेरिएबल में हाई पॉजिटिव कोरिलेशन पॉइंट एट सिक्स इज अ हाई कोरिलेशन क्यों क्योंकि मैक्सिमम परफेक्ट कोरलेशन हमारी वन होती है इट्स अ प्रिटी हाई कॉरलेशन और अब हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू थी हम उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे सो टेस्टिंग हाइपोथेसिस में चूंकि हम कर रहे हैं और हमने कहा था कि जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया था हमने कहा था कि p इज इक्वल टू ज़ीरो और हमने रिसर्च हाइपोथेसिस बनाया था कि p इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो हमने इसको टू टेल पे टेस्ट किया और हमने क्रिटिकल वैल्यूज की देखी और क्रिटिकल वैल्यू अब हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास एन फाइव है तो फाइव माइनस टू विल बी थ्री और अल्फा लेवल हमने किया है पॉइंट जीरो फ़ाइव आप एल्फा पॉइंट जीरो फ़ाइव डिग्रीज ऑफ़ फ्रीडम थ्री पे हम क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे क्या है लेट्स गो बैक ऑन टू द टेबल एंड सी के हमारी वैल्यू क्या आई हुई है तो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थ्री के ऊपर टू टेल टेस्ट के ऊपर हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो पॉइंट एट सेवन ए और हमने अपनी जो वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली है वो है पॉइंट एट सिक्स तो पॉइंट क्रिटिकल वैल्यू अल्फा पॉइंट जीरो फाइव पे जो हमारी आई है पी की वैल्यू वो है पॉइंट एट सेवन और हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है आर वो है पॉइंट एट सिक्स सो हमारी पॉइंट जो है वो इज़ स्मॉलर देन पॉइंट एट सेवन तो पॉइंट एट सिक्स इज स्मॉलर देन पॉइंट एट सेवन जिसका मतलब है कि वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और हमारा नल हाइपोथेसिस था कि पी इज इक्वल टू जीरो तो हमारी वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से वैसे तो हमारे सैम्पल साइज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है वैसे कोरलेशन हमारी बहुत हाई है लेकिन चूंकि हमारा सैम्पल साइज बहुत कम है इस वजह से हमारी अगर हम थोड़ा सा सैम्पल इंक्रीज करेंगे तो दिस कोरलेन गोना भी सिग्निफिकेंट बट गिवन दिस डेटा कंपेयरिंग द टू वैल्यूज वी विल कंक्लूड के वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथिस विच वॉज से पी इज इक्वल टू जीरो तो दिस इज हाउ वी विल बी टेस्टिंग हाईपोथिस इन कोरेशन को Using Pearson product moment correlation.